हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश टेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जुपिटर एंड सैटर्न की कंजंक्शन के बारे में। आइए देख लेते हैं कि अगर गुरुदेव यानी कि बृहस्पति देव और शनि देव आपके बर्थ चार्ट के किसी एक ही हाउस में बैठ जाएं, तो आपको किस तरह के रिजल्ट्स दे सकते हैं। दोस्तों, इस कंजंक्शन के रिजल्ट्स देखने से पहले, अगर इस कंजंक्शन में दोनों प्लैनेट्स की डिग्री का डिफरेंस 10 डिग्री से कम है, तो आपको इसके अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जैसे जैसे इनका डिफरेंस या गैप बढ़ता चला जाएगा, यानी कि एक प्लैनेट 5 डिग्री का है, दूसरा 25 का है, तो इट विल बी कॉल्ड ए लूज कंजंक्शन। तो इसके रिजल्ट्स आपको थोड़े कम मिल सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रिजल्ट्स इसके जरूर मिलेंगे अगर ये एक ही हाउस में दोनों प्लैनेट्स बैठे हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं जुपिटर से। हम जल्दी से देख लेते हैं कि क्या मिलता है हमें। जुपिटर से हमें एक स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती है, एक रिलीजियस थिंकिंग मिलती है। जुपिटर से हम हायर नॉलेज को देखते हैं, विजडम को देखते हैं, वेल्थ को देखते हैं, फैमिली को देखते हैं, चिल्ड्रन को देखते हैं, टीचिंग प्रीचिंग को देखते हैं, फिलॉसफी को देखते हैं, लाइफ की फिलॉसफी को देखते हैं, और अच्छे कर्मों को देखते हैं। जुपिटर देव गुरु हैं, यानी कि देवों के एडवाइजर। तो जुपिटर कि वो वाली जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो इंसान में भी आती हैं। कहीं ना कहीं ये एडवाइजरी में ये इंसान अच्छे होते हैं, जिनका जुपिटर बहुत ही पावरफुल होता है चार्ट में। और दोस्तों, शनि क्या है? शनि से हम एक शनि इसे लॉर्ड ऑफ कर्मा। शनि हमें हमारे कर्मों के हिसाब से हमें जीवन में फल देता है। अच्छे भी फल शनि देते हैं और बुरे भी फल शनि देते हैं, लेकिन लोग शनि को ज्यादातर बुरे फलों के नाम से जानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें जो प्रॉस्पेरिटी है, जो अच्छे फल मिलते हैं हमारे कर्मों के, वो भी तो शनि देते हैं। और शनि देव हमें लाइफ की रियलिटी से लर्निंग्स भी देते हैं, यानी कि विजडम देते हैं, रियल लाइफ टाइम लर्निंग्स देते हैं शनि हमें, और लाइफ की रियलिटी से हमें रूबरू करवाते हैं। एंड शनि से हम थोड़ा सा फियर, थोड़ा स्कैरसिटी, थोड़ी डाउट्स, थोड़े पैसिमिज्म, ये सारी चीजें देखते हैं। जुपिटर से हम ऑप्टिमिज्म देखते हैं, जुपिटर से हम एक्सपेंशन देखते हैं, और शनि से हम रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं। शनि हमें कुछ फियर देके हमारे दिमाग में हमें रिस्ट्रिक्टेड वे में एक्ट कराता है, थोड़ा हमारे दिमाग में डर भर देता है कि अगर हम इस काम को बहुत ज्यादा ओपनली करेंगे और उसमें एक रिस्क ले लेंगे, तो कहीं हमें नुकसान ना हो जाए, कहीं हम फंस ना जाए। तो इस तरह का फियर सैटर्न ही देता है। और सैटर्न से थोड़ा सा एक सॉलिट्यूड भी देखते हैं, अकेलापन भी देखते हैं, बिकॉज सैटर्न की एनर्जी थोड़ा सी सेपरेटिव एनर्जी है। जुपिटर की एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है, ऑप्टिमिस्टिक वे में इंसान सोचता है, और जुपिटर का संबंध हमारे फैमिली से है, रिलेशनशिप से है, और सैटर्न का संबंध सॉलिट्यूड से है, सेपरेशन से है। तो यहां थोड़ा सा एनर्जी में ये डिफरेंस आ गया। सैटर्न से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, सैटर्न से हम कहीं लॉ भी देखते हैं, कहीं जुडिशियस जो हमारा प्रोसेस है वो देखते हैं। जुपिटर से भी हम लॉ वगैरह देखते हैं। तो इन दोनों प्लैनेट्स में न्यूट्रल रिलेशनशिप है, नाइदर दे आर एनिमी नॉर फ्रेंड्स, दे रिस्पेक्ट ईच अदर, एंड बोथ आर वेरी प्रोमिनेंट प्लैनेट विच इम्पैक्ट आर लाइफ टाइम, आई मीन वेरी मच। इनका बहुत ही हमारी डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट। तो अब ये दोनों एनर्जीज एक ही हाउस में आ गई। दोस्तों देखिए, ये एनर्जीज बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं,
बस इसमें एक चीज जरूर है कि इंसान को अर्ली ईयर्स में 28 से 30 साल तक शनि देव थोड़ा सा संघर्ष देंगे। देखिए जुपिटर से हम एक एक चीज को लेते हैं। जुपिटर से हम क्या देखते हैं? विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज, हायर नॉलेज, एजुकेशन, दिस इज सीन बाय जुपिटर। और सैटर्न क्या? रियलिटी, रियल लाइफ, रियल इवेंट्स। तो सैटर्न हमें नॉलेज तो हम ले लेते हैं एजुकेशन से, बाय डिवाइन पावर से भी हम नॉलेज ले लेते हैं। कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन उनको कुछ डिवाइन की ऐसी ब्लेसिंग होती है, दे आर वेरी वाइज। आप उनसे जब बात करोगे तो आप कहोगे यार ये तो हमने पूरी जिंदगी पढ़े हैं, हमें पता ही नहीं है या हमने सीखा ही नहीं ये चीज। तो दिस इज बाय वर्चू ऑफ डिवाइन पावर, जो गुरु की विजडम है। और सैटर्न क्या है? सैटर्न हमें रियल लाइफ इवेंट से हमें नॉलेज देते हैं। तो सैटर्न ये कहते हैं इनडायरेक्टली कि दिस इज द नॉलेज ऑफ डिवाइन पावर, बट द अदर काइंड ऑफ नॉलेज इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू। यू हैव टू अंडरगो सर्टेन इवेंट्स इन योर रियल लाइफ सो दैट योर दिस नॉलेज शुड बी हैविंग ए वैल्यू एडिशन, उसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो इसलिए सैटर्न हमें एक मतलब जो है ना टेस्ट में डाल देते हैं और हमें रियल लाइफ को दिखाते हैं कि भैया इनसे भी सीखो, लाइफ तो ये है। और वाकई ही लाइफ वही है जो हम जीते हैं। डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, चाहे वो हमारे प्रोफेशनल अरेना में हो या पर्सनल अरेना में हो या सोशल अरेना में हो या इकोनॉमिक अरेना में हो, जो भी हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उनसे जो हम लर्निंग्स लेते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सैटर्न हमें इसलिए हमें संघर्ष में ले जाके और काम करवाते हैं और हमें वो नॉलेज देते हैं। और देखिए जुपिटर से हम देखते हैं वेल्थ और सैटर्न से देखते हैं संघर्ष, काम, कर्मा। तो हमें इस कर्म करने के बाद ही उस वेल्थ की प्राप्ति होती है इस कंजंक्शन में। जुपिटर से हम देखते हैं चिल्ड्रन, सैटर्न से देखते हैं डिले। तो ये कंजंक्शन अगर फिफ्थ हाउस में हो जाए तो हमारे बच्चे पैदा होने में डिले हो सकती है, क्योंकि सैटर्न हमें थोड़ा संघर्ष कराएंगे। लेडीज के चार्ट में जुपिटर से देखते हैं पति और सैटर्न से देखते हैं डिले, तो शादी डिले, शादी में डिले देखी जाती है। लड़कियों की कुंडली में ये कंजंक्शन उनकी शादी में देरी करवा सकती है, जब तक कोई और अच्छा शुभ प्लैनेट, शुक्र जैसा प्लैनेट एस्पेक्ट ना करे तो डिले हो जाएगी। और मैन की कुंडली में गुरु से हम क्या देखते हैं? मैन की कुंडली में गुरु से हम देखते हैं एजुकेशन और सैटर्न से देखते हैं रियल लाइफ एजुकेशन। तो ये दोनों मिलके ये दोनों हमें देते हैं। यहां इंसान एजुकेटेड भी होगा और उसे रियल लाइफ के एक हार्डशिप से निकलना ही पड़ेगा। और दोस्तों क्या देखते हैं हम जुपिटर से? जुपिटर से देखते हैं हम ऑप्टिमिज्म और सैटर्न से देखते हैं पेसिमिज्म। तो हम जब हमारा जुपिटर पावरफुल होता है, यानी कि ये कंजंक्शन अगर जुपिटर के किसी साइन में हो, पावरफुल हो, यानी कि आप कह सकते हो कि 9 नंबर में हो, 12 नंबर में हो, 4 नंबर में हो, 5 नंबर में हो, राशि मतलब राशि में हो या इन राशियों में हो और शनि साथ में बैठ जाए, तो इंसान को थोड़ा बहुत ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा नहीं लेने देंगे। कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में ऐसी इवेंट्स आ जाएंगी जिसमें आदमी थोड़ा सा पेसिमिस्टिक भी हो जाएगा। लेकिन हां, इस कंजंक्शन में आदमी अपना ऑप्टिमिज्म छोड़ता नहीं है, बिकॉज जुपिटर इज ऑल्सो वेरी पावरफुल प्लैनेट। चाहे वो जितनी भी हार्डशिप फेस कर ले, जितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन ही रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक। ही नोज दैट ही विल गेट द फ्रूट ऑफ हिज हार्डवर्क। और अगर ये जुपिटर के किसी फ्रेंडली साइन में ये कंजंक्शन हो,
तो डेफिनेटली आदमी में ऑप्टिमिज्म ज़्यादा मिलेगा, एजुकेशन अच्छी मिलेगी, एकेडमिक एजुकेशन अच्छी मिलेगी, विजडम ज़्यादा मिलेगी और इंसान ट्रूथफुल होगा। और ये कंजंक्शन अगर शनि की किसी राशि में आ जाए या शनि के मित्र की राशि में आ जाए तो हार्डशिप थोड़ा ज्यादा रहेगा, रियल लाइफ इवेंट्स थोड़ी सी क्रिटिकल रहेंगी, मेहनत ज्यादा रहेगी, थोड़ा सा माइंड में फियर भी रहेगा, थोड़ा पैसिमिस्टिक भी आदमी रहेगा, थोड़ा सॉलिट्यूड, थोड़ा अकेला रहेगा, थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव रहेगा। लेकिन फिर भी जुपिटर की कंजंक्शन इंसान को कुछ ना कुछ ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ जरूर देगी, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा डिप्रेस क्योंकि जुपिटर साथ बैठा हुआ। और जुपिटर से हम देखते हैं हायर नॉलेज, हायर स्पिरिचुअल नॉलेज, रिलीजियस नॉलेज, और सैटर्न से देखते हैं डिसिप्लिन। तो यहां पर इंसान जो है स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए अगर ये कंजंक्शन 12th हाउस में बन जाए तो आदमी स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए बहुत डिसिप्लिन रहेगा, बहुत काम करेगा। फिर सैटर्न से हम देखते हैं सोशल सर्विस, और जुपिटर भी बहुत ही यानी कि एक ह्यूमन केयर का प्लैनेट है, तो यहां पर इंसान सोशल सर्विस में और ह्यूमन केयर में भी कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए, अगर ये कंजंक्शन 9th हाउस में या 12th हाउस में बन जाए तो। और अगर ये कंजंक्शन 10th हाउस में बन जाए तो इंसान का कैरियर काइफ काफी हाइट पे जा सकता है। लेकिन 10th हाउस में एक प्रॉब्लम ये है कि जुपिटर नीच का होता है, उसमें जो रिलीजियस थिंकिंग है उसकी या स्पिरिचुअल थिंकिंग है वो थोड़ा लो एप पे आ जाएगी, इंसान मटेरियलिस्टिक ज्यादा बन जाएगा। 11th हाउस में अगर ये कंजंक्शन आ जाए तो अच्छी है, इंसान कहीं ना कहीं इंसान का जो प्रोफेशन होगा वो कहीं ना कहीं टीचिंग प्रीचिंग या एडवाइजरी से कनेक्टेड होगा, यानी कि अंडर प्रिविलेज्ड लोगों में कहीं ना कहीं टीचिंग प्रीचिंग वगैरह से रिलेटेड उसका काम होगा। इस कंजंक्शन में लोगों को हमने लॉ प्रोफेशन में भी जाते हुए देखा है, बिकॉज दोनों प्लैनेट्स लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। इस कंजंक्शन में लोगों को स्पिरिचुअली एडवांसमेंट में जाते हुए देखा है हमने, यानी कि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट क्या है, सैटर्न जो है इंसान को एक लंबे टाइम तक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में रखता है, तो आदमी कहीं ना कहीं मोक्ष में मोक्ष की तरफ बढ़ जाता है, पर्टिकुलरली तब जब एग्जॉल्टेड यहां जुपिटर हो या 12th हाउस में जुपिटर हो। और इस कंजंक्शन में अगर ये कंजंक्शन 8th हाउस में बन जाती है तो कहीं ना कहीं इंसान को ऑकल्ट में या एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में या हिडन नॉलेज में भी इंसान चला जाता है, और यहां पर स्क्रिप्चर्स वगैरह की स्टडी भी कर लेता है। और जिसका जुपिटर और सैटर्न दोनों पावरफुल होते हैं वो इंसान एक अच्छे ऑकल्ट की नॉलेज रखते हैं और बड़े प्रैक्टिकल जो है वो प्रेडिक्शंस करते हैं। और ये कंजंक्शन 6th हाउस में हो जाए तो थोड़ी सी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं और थोड़ा संघर्ष ज्यादा रहता है क्योंकि सैटर्न वहां पावरफुल हो जाता है 6th घर में, और हालांकि प्रोफेशन तो कहीं ना कहीं सैटर्न और जुपिटर से मिलके फाइनेंस वगैरह में यानी कि बैंकिंग प्रोफेशन में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ले जाता है। और 5th हाउस में अगर ये कंजंक्शन बैठ जाए तो इनिशियल ईयर्स में थोड़ी सी डिले रहती है हर चीजों में, मैरिज में डिले रहती है और बच्चे होने में भी डिले आती है, लेकिन आदमी सेटल अच्छा हो जाता है। 5th हाउस त्रिकोण हाउस है और 4 नंबर में जुपिटर एग्जॉल्टेड है, तो जुपिटेरियन क्वालिटीज यहां बढ़ जाती हैं, एक स्पिरिचुअलिटी का भाव आ जाता है। तो ये कंजंक्शन हमें टीचिंग या लेक्चररशिप में भी ले जा सकती है, वहां पर हम बड़े बड़े डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट टीचर्स होंगे, हम कम बात करेंगे लेकिन हमारी हर बात बहुत ही प्रेशियस होगी, उसमें बहुत ही विजडम होगी, दूरदर्शिता होगी, नॉलेज होगी, बिकॉज दोनों ही प्लानेट का संबंध मैच्योरिटी से है, नॉलेज से है, विजडम से है,
और सैटर्न जुपिटर के साथ बैठ के बड़ा रिस्ट्रिक्टेड वे में बात करेंगे, लेकिन उनकी जो भी बात होगी दैट वुड बी वेरी वेरी वैल्यूएबल टीचिंग। और दूसरे घर में अगर ये कंजंक्शन हो जाए, जो गुरु दूसरे घर के कारक गुरु ही हैं, सैटर्न उसमें थोड़ा सा वेल्थ में डिले या हार्डल जरूर पैदा करेंगे। ऐसे जो है ना गुरु का इम्पैक्ट एकदम नहीं आएगा, उसमें सैटर्न अपना हार्ड वर्क करवाएंगे ही करवाएंगे नेटिव से। और ये कंजंक्शन एक नंबर राशि में या सात नंबर राशि में अच्छी नहीं मानी जाती। सात नंबर में कुछ नक्षत्र भी ऐसे ही मिलते हैं हमें, यानी स्वाति नक्षत्र भी है। और सात नंबर में हालांकि सैटर्न एग्जॉल्ट हो जाता है, लेकिन एग्जॉल्टेड सैटर्न का भी हमने बहुत, यानी कि सैटर्न जो है जीवकारक चीजों में फल नहीं देता ज्यादा अच्छे, यानी कि रिलेशनशिप में ज्यादा अच्छे फल, अजीव कारक है सैटर्न। यानी कि बिजनेस वगैरह में सात नंबर राशि में सैटर्न बहुत पावरफुल हो जाता है, थोड़ा डिलेड सक्सेस देता है लेकिन स्टेबिलिटी अच्छी देता है बिजनेस में। और जुपिटर विवाह स्थान पर शुभ माना जाता है, लेकिन सैटर्न यहां पर अच्छा नहीं माना जाता विवाह स्थान में सात नंबर राशि में, बिजनेस में अच्छा माना जाता है। तो यहां पर हमें पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। एक नंबर में सैटर्न डेबिलिटेट हो जाता है, नीच का हो जाता है, तो यहां पर हार्डशिप ज्यादा भर देता है इंसान की लाइफ में। और जब हार्डशिप जरूरत से ज्यादा आ जाए तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक आदमी पैसिमिस्टिक हो जाता है। तो दोस्तों कुल मिला के अगर हम देखें तो ये जो कंजंक्शन है ये इंसान को बहुत वाइज बना देती है, बहुत मैच्योर बना देती है, वेल्दी भी बनाती है लेकिन थोड़ा लेट, एजुकेशन अच्छी दे देती है थोड़ा हार्डशिप के साथ, इंसान को एक डिसिप्लिन बना देती है, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए अच्छी है, एस्ट्रोलॉजी या हिडन नॉलेज के लिए अच्छी है। और इंसान जो है कहीं ना कहीं हम एक अच्छी पर्सनैलिटी के रूप में देखते हैं इंसान को इस कंजंक्शन में। 28 साल बाद या 30 साल बाद इंसान का जो पर्सनैलिटी होती है बहुत सुलझी हुई और बहुत वाइज पर्सनैलिटी होती है। तो कुल अगर हम इसे इवेल्यूएट करें तो दिस इज ए गुड कंजंक्शन, दिस कांट बी सेड ए बैड कंजंक्शन। हाँ थोड़ा सा इसमें मेहनत हार्ड वर्क ऑब्स्टेकल शुरू में रहती हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट गिव्स ए लॉट ऑफ वैल्यूएबल एसेट्स टू यू, वैल्यूएबल थिंग्स टू यू इन लाइफ विच आर डेफिनेटली आई मीन वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड ए सक्सेसफुल लाइफ। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड वील सी यू सून, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच।